और आज मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, जहां 10वीं क्लास का सोशल साइंस का पेपर जो है वो लीक हो गया। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि सोशल साइंस का पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को यह जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए कि कैसे ये सरकार चला रहे हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। और ये तो बिहार अद्भुत है इस मामले में, कौन सा ऐसा परीक्षा है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर, या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। यह पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट हैं, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया है, सजा नहीं दी है। कई बार ये मसला सामने आया, कल जो अधिकारी बैठा था, जो कल्प्रिट था, उसको प्रमोशन मिला। ये गवाह, लोगों के पास सबूत है, लेकिन ये क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोशल साइंस या अन्य कोई परीक्षा हो उसका पेपर लीक करता है? तो कोई ना कोई जवाबदेही तो बनेगी। अब हमने सूचना दिया तो कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते मुख्यमंत्री को सदन को एड्रेस तो करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि उनको सूचना क्यों नहीं मिली। अगर सूचना थी तो उन्होंने छुपाई क्यों, क्या कार्रवाई की? ये तो हम अपने बिहार के छात्रों छात्राओं के भविष्य के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के साथ, आपके भविष्य के साथ बिहार सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो, और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदेही जो है वो तय करनी चाहिए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवाज जाकर के इस्तीफा नहीं देंगे, उनका शर्म मिट चुका है, आंख का आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं, बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की है। हम विपक्ष होने के नाते पूरी मजबूती के साथ बिहार की आवाज़ को, बिहार की समस्याओं को बिहार की विधानसभा में उठाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि सरकार में कुछ शर्म बाकी हो तो कार्रवाई करें।